वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आइए मैं आपको पैंट की बेल्ट लगाना सिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमने इसकी बेल्ट काटी हुई है। 37 इंच कमर है तो हमने इसकी 22 इंच, 22.5 इंच बेल्ट काटी है दोस्तों। थोड़ी हमें फालतू रखनी पड़ती है 4 इंच, ताकि वो जब हम हुक और आई लगाएंगे तो उसके लिए अंदर मोड़ने के लिए कपड़ा। और ये इसकी लास्टिक है, लास्टिक दोस्तों हमने इसकी 14 इंच काटी है। 14 इंच लास्टिक में जो है ठीक बैठ जाएगी, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल फिटिंग आएगी। देखिए, ये मैंने इसको बेल्ट को अंदर रख के सिलाई लगा दी है। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने इसको फोल्ड कर दिया है। हम इसको प्रेस भी यूज कर सकते हैं और हाथ से भी यूज कर सकते हैं इसको। अगर घर में प्रेस है तो प्रेस से कर दीजिए, बाकी ये थोड़ा थोड़ा मार्जिन इसमें आया हुआ है, ये हम काट देंगे दोस्तों। मार्जिन ज्यादा रहेगा तो अच्छा नहीं आएगा, झोल उसमें आता रहेगा। ये थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन हम इसे काट देंगे। देखिए, हमने मार्जिन काट दिया है। अब हम इसको आपको बेल्ट लगाना बताएंगे दोस्तों। ये हमने इसको उल्टी साइड में रखना है, जिप की साइड। थोड़ा सा आइडिया के लिए हम इसको निशान लगा लेंगे। ये हमारी बेल्ट है, यहाँ पे हमने इसको यहाँ से जोड़ना है। इसको हमने करीब 3-3.5 इंच छोड़ के फिर जोड़ देना है। बड़े ध्यान से इसको जोड़ना है दोस्तों, आगे पीछे नहीं करना है। एक पैर की सिलाई लगाते हुए चलना है। सिलाई लगा ली दोस्तों। अब हम इसकी लास्टिक लगाएंगे। यहां से हमने ये जो हमने ज्वाइंट किया हुआ है, यहां पे हम इसकी लास्टिक लगा देंगे। आसान तरीके से लास्टिक लगानी है हमने, फिर इसको यहां से सिलाई लगा देनी है। बहुत ही सरल तरीके से बेल्ट करनी है। दोस्तों, ये बेल्ट चढ़ाना बहुत आसान है। घर में आप वीडियो देखकर खुद भी चढ़ा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये यहां लाके हमने इसको अब ये लास्टिक का दूसरा सिरा दोस्तों यहां पे हमने लगाना है। ये यहां अंदर लगा के इसको कवर करना है और एक सिलाई इसके ऊपर से हमने लगा देनी है, ताकि लास्टिक बाहर ना आ पाए। ये यहां हमने इसको सिलाई लगानी है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लास्टिक पे मशीन ना चले हमारी। वैसे तो मार्जिन हमारा बहुत ज्यादा है, आसानी से लग जाती है, लास्टिक पे नहीं आती, क्योंकि लास्टिक हमारी छोटी है, इसलिए उसको हमने खींच के अंदर लगानी है। पूरा कपड़ा इसको सिलाई करना है। देखिए, आपको साफ नजर आ रहा होगा, पूरा लास्टिक अंदर करनी है। लास्टिक पे हमने सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी, अगर लास्टिक पे सिलाई लगा देंगे तो झोल आ जाएगा हमारा। ये लास्टिक ऐसे बाहर निकाल लेनी है, तो थोड़ा सा कपड़ा सहार के सिलाई लगानी है। ये देखिए, पूरा यहाँ पे एक ही सिलाई में आपको
प्लास्टिक भी लग जाएगी आपकी, एक सिलाई में बेल्ट लग जाएगी आपकी। ये देखिए ये सिलाई आपकी यहाँ से घुमा देनी है हमने। ये हमारी लास्टिक लग गई है, हम इसकी बीच की सिलाई लगा देंगे। बीच की सिलाई इसलिए लगाते हैं दोस्तों ताकि लास्टिक हमारे बाहर ना जाए। अभी हम इसके बीच में सिलाई लगा देंगे लास्टिक को। लास्टिक में सिलाई लगानी पड़ती है दोस्तों तो ताकि इधर उधर ना जाए। ये देखिए सहारते रहना और फिर सिलाई लगा देंगे। आई भी बोलते हैं। इसमें आई लगा दी है। इसको यहां से कवर कर देंगे, जो कपड़ा फालतू बचा हुआ है इसमें सिलाई लगा देंगे। लग चुकी है। इस साइड में हुक लगाएंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे पहले। और यहाँ हमने थोड़ा सा दो सूत रख के, या इसके आसानी हमारे लिए ये हो जाएगी तो हम इसको जिप को बंद करें और यहाँ से इसको नाप लें। यह हमारा यहाँ पे आ गया है, बस हम यहाँ हुक लगा देंगे इसका। बड़े आसानी से हुक मिल जाते हैं मार्केट में, आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं इसमें। लेकिन हुक ज्यादा बेहतर है। ये हमने हुक लगाकर इसको सिलाई लगा दी है। देखिए दोस्तों ये हुक लग चुका है हमारा। दोस्तों पैंट हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए ये इसमें जिप है, ये हुक आई और ये इलास्टिक, ये बेल्ट।